तो हे दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फूडी प्रथम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस चैनल पर आपको अलग अलग चॉकलेट के रिलेटेड अलग अलग वीडियोस मिलते रहते हैं, नई चॉकलेट्स के या फिर कंपैरिजंस के। दोस्तों, आज फिर से मैं एक बार आप सभी के सामने ले आया हूँ कंपैरिजन जो कि कैडबरी ने अभी लॉन्च किया। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कैडबरी का नया फ्लेवर अपना चिली ऑरेंज, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चिली ऑरेंज जो है कैडबरी ने लॉन्च किया अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले। और दूसरे तरफ हमारे पास रोस्ट आलमंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी रोस्ट आलमंड चॉकलेट जो कि कैडबरी की पुरानी चॉकलेट है। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं किसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और कौन सा टेस्ट, किस चॉकलेट का टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको भी पसंद है बहुत सारी चॉकलेट्स के रिलेटेड वीडियो देखना या फिर आप चॉकलेट के फैन हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ है हमारे पास अपने पुरानी कैडबरी डेरी मिल्क रोस्ट आलमंड जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस फ्लेवर है डेरी मिल्क का, और दूसरी तरफ है हमारे पास कैडबरी की डेरी मिल्क चिली ऑरेंज जो कि हाल ही में रिसेंटली लॉन्च हुई है और एक डिफरेंट फ्लेवर है, एकदम अलग सा फ्लेवर है। तो आज हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे, इसको ही खोल देते हैं, सबसे पहले अपने रोस्ट आलमंड चॉकलेट को खोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस चॉकलेट है इंडिया में, यानी कि ये फ्लेवर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में और मुझे भी पर्सनली मेरा फेवरेट है ये वाला। तो दोस्तों ये रही हमारी रोस्ट आलमंड चॉकलेट कैडबरी वाली और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसको मैंने अभी थोड़ा टेस्ट भी किया है, आपके सामने कर लेता हूँ टेस्ट। दोस्तों इसका टेस्ट तो एवरग्रीन है रोस्ट आलमंड का और मेरी काफ़ी ज़्यादा मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो इसको तो रखते हैं अब साइड में, अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि इसमें आखिरकार कितना दम है कैडबरी डेरी मिल्क चिली ऑरेंज में। चलिए देखते हैं आज। तो यहाँ पर देख दोस्तों, आज देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये रोस्ट आलमंड को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। कुछ इस तरीके की ये चॉकलेट है, देखने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। इसको टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। उसमें ऑरेंज का अच्छा खासा टेस्ट आ रहा है। टेस्ट के मामले में दोस्तों ये भी अच्छी है। दोस्तों इसमें स्टार्टिंग में ऑरेंज का टेस्ट आ रहा था और अब बहुत तीखा तीखा टेस्ट आ रहा है इसमें मुझे। तो यार काफ़ी अजीब सी चॉकलेट जो है डेरी मिल्क ने इस बार बना दी है। दोस्तों मुझे ये ज़रा भी अच्छी नहीं लगी चॉकलेट।